आज प्रयागराज में महिलाओं का होगा महाकुंभ, पीएम मोदी महिलाओं से करेंगे सीधा संवाद। प्रदेश भर से सम्मेलन में पहुंचेंगी करीब 2.5 लाख महिलाएं, कई 100 करोड़ की सौगात देंगे पीएम। आज से सपा के विजय रथ यात्रा के 8वें चरण की होगी शुरुआत। मैनपुरी विजय रथ लेकर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। दूरियां खत्म होने के बाद आज पहली बार साथ नजर आ सकते हैं चाचा शिवपाल। अब आधार कार्ड से लिंक होगा वोटर आईडी कार्ड। लोकसभा में पास हुआ चुनाव सुधार बिल, फर्जी मतदान रोकने में होगा अहम। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा आधार लिंक विकल्प व्यवस्था। आज देहरादून में क्रिकेट मैच खेलेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। भाजयुमो अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य की टीम से होगा मुकाबला। प्रदेश में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेला जाएगा मैच। खटीमा में सैकड़ों जनजाति महिलाओं ने भाजपा का दामन थामा। इन महिलाओं को सीएम की पत्नी गीता धामी ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने हरीश रावत पर बोला जुबानी हमला। कहा हरीश रावत के शासनकाल में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ी। हरीश रावत की कथनी और करनी में अंतर। दिशा में ले गए, भ्रष्टाचार की दिशा में ले गए, बेरोजगारी की दिशा में ले गए। सबसे ज्यादा हड़ताल उनके कालखंड में हुआ। हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने यशपाल आर्य पर साधा निशाना। यशपाल आर्य पर हाल ही में हुए हमले को लेकर कहा जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। 2022 चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर। विकास नगर में भाजपा नेताओं ने ई प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने पिथौरागढ़ का दौरा किया, महिला सम्मेलन में संवाद किया। गैस सिलेंडर और तेल के दाम बढ़ने के लिए भाजपा को बताया महिला विरोधी। भाजपा की जन विश्वास यात्रा सोमवार को पहुंची सैदपुर। भाजपा सांसद विनोद सोनकर ने लोगों को किया संबोधित, कहा भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी। मायावती पर भी साधा निशाना। 21 दिसंबर को मैनपुरी से एटा तक विजय यात्रा निकालेंगे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष जनता से मांगेंगे जीत का आशीर्वाद। 23 तारीख को अलीगढ़ में अखिलेश और जयंत चौधरी की साझा रैली। मुख्यमंत्री ने मंच से कहा हमने समस्या के समाधान का लिया है संकल्प। जो समस्या का समाधान करे वही सरकार, जो समस्या पैदा करे वही वंशवादी राजनीति करने वाला राजनेता। हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए हैं, समस्या का जो समाधान करे वही सरकार है और जो समस्या पैदा करे वही वंशवादी राजनीति करने वाले राजनेता है। जौनपुर के मछली शहर पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा यूपी में फिर आएगी योगी सरकार। नितिन गडकरी ने विश्वास दिलाया कि यूपी की सड़कें यूरोपियन स्टैंडर्ड ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसी होंगी। कहा मैं झूठ नहीं बोलता, करके दिखाऊंगा। गोंडा के सैकड़ों पत्रकारों ने गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक पैदल चलकर मौन विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी के साथ उनके खिलाफ FIR दर्ज करने और पत्रकारों के हित में कानून बनाने की मांग। पत्रकारों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मिर्जापुर पहुंचे बसपा नेता सतीश चंद मिश्रा ने कहा फोन टैपिंग की हमें कोई चिंता नहीं, सरकार फोन टैप करा ले कोई फर्क नहीं पड़ता। विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर दल बदल का दौर जारी। समाजवादी पार्टी ने भाजपा को दिया बड़ा झटका। भाजपा से विधायक रहे राम इकबाल सिंह ने थामा सपा का दामन। यूपी भाजपा का अखिलेश यादव पर तंज, ट्वीट कर कहा जो लोग 2017 से पहले बड़े पदों का दुरुपयोग कर पैसे छापा करते थे वो आजकल छापा शब्द कान में आते ही छटपटाने लगते हैं। इटावा जिला कोऑपरेटिव बैंक की वार्षिक बैठक में पहुंचे प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा अब ये तय हो गया है कि सपा प्रसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कहा हमारे बहुत से दलों से हुई थी बातचीत लेकिन फिर सोचा गठबंधन ही करना है तो घर में ही करेंगे। शिवपाल यादव ने कहा फोन टैपिंग और छापेमारी बीजेपी का चरित्र। लखनऊ में करीब 3 घंटे तक चली कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। कॉल हाउस में हुई बैठक में आगामी चुनाव को लेकर 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट देने पर भी किया गया विचार।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अचानक नोएडा में किसानों के धरना प्रदर्शन वाली जगह पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। संजय सिंह ने कहा वो इन मुद्दों को राज्यसभा में उठाने की कोशिश करेंगे। बैराज से भाजपा की जनविश्वास यात्रा पहुंची मुजफ्फरनगर, कार्यकर्ताओं ने जगह जगह किया यात्रा का स्वागत। लखनऊ में हुआ अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो का आयोजन, देश की आजादी में योगदान देने वाले अमर शहीदों को किया गया याद। भारत को मिली स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित। 26 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अलग अलग मोर्चों की करेंगे बैठक, कोर कमेटी की बैठक भी कर सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने कसी कमर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को किया चैलेंज, झूठे वादों से लोगों को भ्रमित करने का पीएम मोदी पर लगाया आरोप, कहा जनता के धन का प्रधानमंत्री की रैलियों में हो रहा खर्च, कहा 2022 में लोगों ने कांग्रेस को लाने का बना लिया मन। सीएम धामी के मसूरी दौरे पर सियासत तेज, कांग्रेस ने परियोजनाओं के लोकार्पण पर उठाए सवाल, कहा जिन योजनाओं का लोकार्पण वो कांग्रेस की। आज जब हम लोगों ने ये कहा तब वो उन्होंने आनंद फानन में रातों रात वो शिलापट, उन्होंने शिलापट जो शिलान्यास का शिलापट है वो लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को भाजपा के जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के विधायक है उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उनके दिशा निर्देश में जो हटाया गया था वो आज उन्होंने गलती मानते हुए उन्होंने आज वहाँ पर लगा दिया गया है। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर एक बार फिर तेज हुई सियासत, आम आदमी पार्टी ने सरकार पर बोला हमला, आरोप लगाते हुए कहा प्रदेश में अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है लेकिन आंखें मूंदी बैठी है सरकार। सशक्त भू कानून को लेकर यूकेडी की 1000 किलोमीटर की पदयात्रा का देहरादून में हुआ समापन, यूकेडी ने पदयात्रा निकालकर सरकार पर भू माफियाओं को संरक्षण देने का लगाया आरोप, कहा जब सशक्त भू कानून होगा हमारी जमीनें बच सकेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, दोनों दिग्गजों के बीच मुलाकात ने बढ़ाई हलचल, इससे पहले भी दोनों नेताओं की मुलाकात के निकाले गए थे सियासी मायने। बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के रोड एक्सीडेंट मामले में किया बरी, रोज एवेन्यू कोर्ट ने माना प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं मिले, हालांकि कुलदीप सिंह सेंगर नाबालिग से दुष्कर्म मामले में फिलहाल सजा काट रहा है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है रेप का दोषी कुलदीप सेंगर। उन्नाव में दारोगा उमेश त्रिपाठी पढ़ा रहे ईमानदारी का पाठ, दारोगा का कहना है पुलिस से अच्छा कोई विभाग नहीं बना, पुलिस पैसा लेती है तो काम भी करके दिखाती है, उमेश त्रिपाठी ने ये बात पाठशाला कार्यक्रम के दौरान कही। असम के धुबरी जिले के एक गांव में जंगली हाथी ने 30 साल के शख्स पर किया हमला, युवक को दौड़ा दौड़ा कर कुचला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, कैमरे में कैद हुई घटना। ओमिक्रॉन खतरे पर बोले एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, कहा किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार है देश, हमें बहुत निगरानी रखने की जरूरत और उसके हिसाब से तैयारी करने की भी। कानपुर देहात में पारिवारिक कलह के चलते पति ने पत्नी को बच्चों के साथ ही उतारा मौत के घाट, कुल्हाड़ी से किए ताबड़तोड़ कई बार, शिवली थाना क्षेत्र के प्रतापपुर की वारदात, पुलिस ने हत्यारे पति को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में प्रेमी की लाठी डंडों और ईंट पत्थर से हमला कर हत्या, पॉश एनआरआई सोसाइटी की झाड़ियों में मिला प्रेमी का शव, युवती भी लहूलुहान हालत में मिली, युवती की हालत नाजुक। प्रेमी प्रेमिका जिला फतेहपुर से आए थे ग्रेटर नोएडा, युवती के परिजनों ने दिया घटना को अंजाम, घायल युवती के दो आरोपी भाई गिरफ्तार, बीटा 2 कोतवाली क्षेत्र की घटना। बांदा पुलिस ने एनकाउंटर में दो छात्रों को किया गिरफ्तार, चोरी और लूट की दर्जनों वारदातों में था हाथ, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम रखा था, पकड़े गए बदमाशों से चोरी के लाखों की ज्वेलरी सामान और कैश बरामद, मुठभेड़ के दौरान कई राउंड फायरिंग में दोनों बदमाश हुए घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बिजनौर में कच्ची अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, पुलिस ने 242 लीटर कच्ची शराब की बरामद, 2,290 लीटर लहन किया नष्ट, शराब बनाने के उपकरण भी बरामद, एक शराब माफिया को किया गिरफ्तार, चुनाव के मद्देनजर बनाई जा रही थी अवैध शराब।
विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में भारी तादाद में पहुंच रहे सैलानी। औली में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद से बढ़ रही पर्यटकों की संख्या। नए साल के जश्न और क्रिसमस के मौके पर हर साल विभिन्न राज्यों और अलग अलग देशों से सैलानी करते हैं औली का रुख। औली में स्नोमैन बनाना, स्लेजिंग, हॉर्स राइडिंग, ट्यूब राइडिंग का लेते हैं मजा। देहरादून में ठंड को देखते हुए नगर निगम ने कई जगहों पर अलाव का किया इंतजाम, साथ ही रैन बसेरों को भी सुचारू करने के लिए कहा गया। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हर्षिल, झाला, सूखी टॉप, मुखवा, धराली सहित गंगोत्री में तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। सुबह और शाम में माइनस में पहुंच रहा तापमान। पानी के पाइपों में जमी बर्फ। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में आ रही दिक्कत। नदी नालों में जम गया पानी। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ बाईपास के पास एक युवक ने खुद को आग के हवाले किया। आग का गोला बना देख परिजनों ने आग बुझाने की कोशिश करते हुए जिला अस्पताल में कराया भर्ती। 80% तक जला युवक वन वार्ड में भर्ती। तीसरी शादी करने जा रहा था युवक, पहली पत्नी के विरोध करने पर खुद को लगाई आग। मुरादाबाद में 9 दिन से लापता नाबालिग बच्ची की मां महिला थाने के ठीक सामने धरने पर बैठी। बच्ची की बरामदगी को लेकर महिला थाने पर लगा रही गुहार। पीड़िता की मां ने कहा, इससे तो बेटी ना होती तो अच्छा था। महिला थाना पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के खंडारी कैंपस के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रभारी कुलपति का फूंका पुतला। मंगलवार को होने वाले दीक्षांत समारोह के विरोध का किया ऐलान। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को काले झंडे दिखाने का किया ऐलान। गाजियाबाद के 12 गांव के किसानों का जीडीए गेट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। मुआवजे की मांग को लेकर काफी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर जीडीए के मुख्य गेट पर पहुंचे किसान। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। पनामा पेपर से जुड़े मामले में ईडी के दिल्ली दफ्तर में पूछताछ में शामिल होने पहुंची ऐश्वर्या राय बच्चन। लगभग 5.5 घंटे तक चली पूछताछ। इस मामले में हाल ही में ईडी ने अभिषेक बच्चन को भी समन किया था। ऐश्वर्या राय बच्चन को 2 बार पहले भी बुलाया गया था, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने नोटिस को स्थगित करने की गुजारिश की थी। कोलकाता पहुंची डांस क्वीन और एक्ट्रेस नोरा फतेही का एक इवेंट में दिखा जलवा। पैरट ग्रीन कलर की ड्रेस की हो रही चर्चा। इवेंट का फोटो शूट हो रहा वायरल। नोरा फतेही हाल ही में फिल्म सत्यमेव जयते 2 में आई थी नजर। नोरा पर फिल्माया गया सॉन्ग कुसु कुसु हुआ था जबरदस्त हिट। कैटरीना कैफ की बहन इसाबेल कैफ की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर मचा रही धमाल। वायरल हो रहे पोस्ट में इसाबेल कैफ दुल्हन के अवतार में आ रही नजर। फैंस को ऐसा लग रहा है कि कैटरीना के बाद अब उनकी बहन ने भी शादी कर ली है। इस वीडियो को शेयर करते हुए इसाबेल ने खुद कैप्शन में लिखा, रील नॉट रियल, यानी ये किसी फोटोशूट की तस्वीरें हैं। बढ़ती उम्र के साथ और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है एक्ट्रेस श्वेता तिवारी। लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें हो रही वायरल। ये तस्वीरें फैंस के बीच छाई हुई हैं। इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी का ग्लैमरस अंदाज वायरल हो रहा है। येलो कलर की नेट साड़ी में शानदार लग रही हैं श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अब फिल्मों में कदम रख चुकी है। एक्टर विकी कौशल अपनी ग्रैंड वेडिंग के बाद अपने काम पर लौट गए हैं। वेडिंग रिसेप्शन की खबरों के बीच विकी कौशल को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो विकी अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए इंदौर रवाना हो गए हैं। ऐसे में ये साफ हो गया है कि विकी और कैटरीना ने अपना वेडिंग रिसेप्शन पोस्टपोन कर दिया है। कार्तिक आर्यन बीते कई दिन से दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में अपनी अपकमिंग फिल्म शहजादा की शूटिंग कर रहे हैं। दिल्ली की सर्दी में शूटिंग करने में कार्तिक को काफी परेशानी हुई। अब फिल्म का चैलेंजिंग शेड्यूल पूरा करने के बाद कार्तिक आर्यन रविवार को दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचे, जहां कार्तिक को देखने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ी पड़ी। फिल्म ब्रह्मास्त्र की पिछले 2 सालों से चर्चा हो रही है। फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई है। अब इसके बाद चर्चा चल रही थी कि करण जौहर एक नई फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें दीपिका और अनन्या के साथ सिद्धांत चतुर्वेदी नजर आएंगे। इस फिल्म को लेकर मंगलवार को और डिटेल सामने आएंगी। निर्देशक एसएस राजा मौली का कहना है, अभिनेता अजय देवगन के चेहरे से ईमानदारी झलकती है। अपनी फिल्म आरआरआर के बारे में मीडिया से बातचीत के दौरान राजा मौली ने कहा कि फिल्म के किरदार के लिए उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जिसका चेहरा बहुत ईमानदार हो, और उनकी टीम के सभी लोगों ने अजय देवगन का नाम सजेस्ट किया। ओलंपिक 2026 की तैयारी में जुटे आर माधवन के बेटे वेदांत
दुबई शिफ्ट हुई फैमिली। आर माधवन ने बताया मुंबई में जो बड़े स्विमिंग पूल हैं वो कोविड की वजह से बंद हैं या फिर वहाँ सुविधा नहीं है। हम यहाँ दुबई में वेदांत के साथ हैं जहाँ उसके पास बड़े पूल्स का एक्सेस है, वो ओलंपिक्स के लिए काम कर रहा है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 20 दिसंबर को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट, 1184 अंकों की भारी गिरावट के साथ 55,826 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 371 पॉइंट्स लुढ़ककर 16,614 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। दो दिनों में निवेशकों के डूबे लाखों करोड़। सेंसेक्स और निफ्टी में आई 3% की भारी गिरावट, बैंक निफ्टी में 4% की गिरावट। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार 20 दिसंबर को सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में आई गिरावट। 54 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 48,737 रुपए के स्तर पर खुला 24 कैरेट सोने का भाव। पिछले कारोबारी दिन शुक्रवार को 48,791 रुपए पर हुआ था बंद। वहीं 568 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट के साथ 61,243 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंची चांदी। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए 100 रुपए से कम दाम वाला प्लान किया लॉन्च। 91 रुपए वाले इस रिचार्ज में ग्राहकों को मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेटा का भी मजा। चीनी कंपनी वीवो ने अपना नया स्मार्टफोन किया लॉन्च। वीवो Y32 के बैक पर डुअल कैमरा सेटअप, इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर दिया गया। लगभग 16,700 रुपए रखी गई फोन की कीमत। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अपनी नवजात बेटी की पहली झलक इंस्टाग्राम पर शेयर की है। तस्वीर में भुवनेश्वर अपनी बेटी को गोद में लिए हुए दिख रहे हैं जबकि उनकी पत्नी नुपुर उनके साथ खड़ी है। क्रिकेटर ईश्वर पांडे ने पोस्ट पर कमेंट किया, बधाई हो भाई। ऑस्ट्रेलिया की घरेलू महिला क्रिकेट टीम सोशल मीडिया पर जीत रही लोगों का दिल। टूर्नामेंट के दौरान बारिश होने से घरेलू महिला क्रिकेट टीम को ग्राउंड स्टाफ की मदद करते देखा गया। टीम ने मैदान पर पिच को कवर करने में काफी संघर्ष किया।